जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज था शुक्रवार और आज था हमारा गेम टाइम। तो गेम टाइम के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया उसके बारे में हमको बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो दूर से देखकर हमारे वीडियो को ट्रेनिंग लेते हैं और सीखते हैं और इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो बता दूँ आपको, आज था गेम टाइम हमारे अकेडमी में और उसके लिए हमने सबसे पहले हमने रनिंग किया। रनिंग करने के बाद नॉर्मल एक्सरसाइज हमने किया जिससे कि हमारे पैरों में कोई प्रकार का भी कोई भी दर्द जो है वो दर्द ना हो। और उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं हमने 5-5 लोगों की एक टीम बनाई और उन्हें आना है आगे और स्कीपिंग जो है करना है कम से कम 50, और 50 तक वो करना ही होगा। बहुत तो उसमें ऐसा है जो स्कीपिंग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तो नए हैं, बहुत तो पुराने हैं, तो बहुत लोगों को नहीं आता। बहुत लोग जिनको आ रहा वो अच्छे से कर पा रहे थे, और जो लोग नहीं कर पा रहे थे उन्हें कम से कम जो है 4 जंप लगाने थे। चाहे आप स्कीपिंग कर लो या फिर 4 जंप लगाना है। तो देख सकते हैं जंप जो है यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए कमांड एक ही था। आप देखते रहो, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कैसे को करना है। तो आप भी जहाँ भी रनिंग करते हो और रनिंग स्पीड को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए स्किपिंग करो, आपका स्टेमिना भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इसी चीज़ की वजह से। और साथ ही साथ 16 मीटर की रनिंग में अंदर आपकी जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगेगा, अगर आपका टाइमिंग जो है कम नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है जिन लोगों को नहीं कर पा रहे थे उन लोगों को जो नॉर्मली जंप करना था इस तरीके से जैसे कि स्किपिंग आप करते हो उस चीज़ के लिए, तो यहाँ पर 4 से 1.5 फुट जंप करने थे। तो आप भी इस तरह से जंप कर सकते हैं अपने पैरों की मजबूती को बढ़ाने के लिए अगर आपको टाइमिंग रनिंग की कम करनी है। तो उसके बाद देख सकते दोस्तों इस तरह से बॉडी को स्ट्रेच करना था और ऐसे करके आपको आगे बढ़ना था। मैं आपको बता दूँ, अगर आप भी रनिंग वगैरह करते हो और या फिर आपकी हाइट कम है तो हाइट को बढ़ाने के लिए भी आप ये एक्सरसाइज जो है आप कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपकी हाइट जो है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है, साथ ही साथ आपके पैरों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। आपके काफ मसल में दर्द है तो दर्द को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। मैं क्या क्या फ़ायदा बताऊँ यार, अगर मैं फ़ायदा गिनाने के लिए बैठूँ तो बहुत सारे फ़ायदे इसके होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो आप ये वाला भी एक्सरसाइज कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बट इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना 2-3 चीज़ आता है, जैसे कि अभी मैं आपको अब वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, आगे चलना है फिर पीछे चलना है, इस तरह से जो आपको चेंज कर करके जो वर्कआउट आपको करते जाना है। तो देख सकते हैं इस तरह से आप जो अपोजिट करके जो है अपोजिट डायरेक्शन में फिर आपको करने की कोशिश करना है, ठीक है। जब हम आगे भी चलेंगे और पीछे भी चलेंगे तो इससे हमारे जो बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि पैर में नस निकल जाता है, बोलते भैया मेरे पैर के नीचे वेन दिख रहा है, नस दिख रहा है, तो उसको इस एक्सरसाइज करने से भी आपका जो वेन का प्रॉब्लम है वो वेन का भी प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप भी अगर रनिंग वगैरह करते हो और आर्मी की तैयारी कर रहे हो, रनिंग 16 मीटर की तैयारी कर रहे हो, तो ये वाला एक्सरसाइज जरूर करना, इससे आपको रनिंग में आपके पैरों की मजबूती को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपके हाथों की मजबूती बढ़ाने के लिए पुशअप लगाना बहुत ज़रूरी है, और पुशअप हमारे कमांड पे आपको करना है। अगर हम बोले अप तो अप, डाउन तो डाउन, तो आप देखिए किस तरह से कर रहे हैं ये लोग। अरे बेटा उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों हाथों की मूवमेंट, बहुत लोग नए हैं तो उन्हें जो है अपने हाथ की जो मूवमेंट है नहीं समझ में आ रहा है। बहुत लोगों के हाथ जो है दाएं बाएं भागने लग रहा है तो रनिंग में प्रॉब्लम होने लगता है। तो इस तरह से क्या करना है, आपको अपने हाथ का जो मोमेंटम बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आपके हाथों का और पैरों का जो तालमेल मिलता है तो आपकी जो रनिंग स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो है आपके हाथ का कह सकते हैं कि रनिंग करते हैं हाथ पकड़ लेता है, तो ये एक्सरसाइज करने से भी क्या होगा, आपके हाथ का जो है मोमेंटम बना हुआ रहेगा और आपका हाथ जो है रनिंग के टाइम पर कभी भी नहीं पकड़ेगा, जिससे जो है आप जो है लॉन्ग रन टाइम तक रनिंग कर पाओगे। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया गेम पीरियड था तो पहले बॉय फ्लो के लिए जो है छुआ छुई जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है आपको जो है बंदे को छूना रहता है और उसको टच किए फिर वो किसी को छुएगा। और ये गेम खिलाने का मकसद ये है कि आप एक तो गेम आफाती फाती इसमें जो है आपका स्टेमिना लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि देख सकते हैं रिसेंटली भागना पड़ता है, रिसेंटली इधर भागो रिसेंटली उधर भागो, इससे क्या होता है कि आपका बॉडी के जो स्टेमिना लेवल होता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। देख सकते हैं इसी तरह से आपको जो है जहाँ भी आप ग्राउंड फील्ड में प्रैक्टिस करते हो तो इसी तरह से गेम वगैरह किया करो, जिससे आपको मस्ती भी आए और ट्रेनिंग आपको बोर ना लगे, आप इंजॉय के साथ जब वहाँ भी
परस्पेक्टिव को तो एंजॉय के साथ करना काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप हमारे अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर गर्ल्स लोग के लिए भी यही गेम था, और इनसे भी जो है आपका स्टेमिना लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस 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 करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ आप बोर हो जाओगे, बोलोगे यार क्या प्रैक्टिस मेरे से नहीं होगा। सो इंजॉय करने के साथ जी आपको जो है करना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है बॉय फ्लो के लिए हैंडबॉल का गेम हम लोगों ने रखा था, जहाँ पर एक तरफ करीब 25 लोग और एक तरफ 25 लोग थे। और देख सकते हैं हमारे कोच सूरज सर के द्वारा यहाँ पे हैंडबॉल का गेम करवाया जा रहा है, देख सकते हैं। अब देख सकते हैं बच्चों को किस प्रकार से भटकाया गया। उन्हें लगा कि बॉल सीधा ऊपर जाएगा, बट वो बॉल तो सर ने दूर फेंक दिया। और इस गेम को खेलने में दोस्तों बता दूँ आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा पावर और स्टेमिना आता है। अगर आप रनिंग करते हो तो कोशिश करो कि आप फुटबॉल मत खेलो, वरना आपके पैर में इंजरीज भी हो सकते हैं और आप रनिंग जो है आप नहीं कर पाओगे। तो नॉर्मली आप हैंडबॉल वगैरह खेल सकते हो जिसमें आपको पैर में इंजरीज ना हो। अगर मान लो आप फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको पैरों में चोट लग सकता है। अगर आपका पैर में चोट लग जाएगा, इंजरी हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, आप रनिंग नहीं कर पाओगे। तो ये आप ऐसा गेम खेलो जिससे आपका स्टेमिना इंक्रीज़ हो, साथ साथ आपको मस्ती भी आए। तो हम ऐसा ही गेम आपको खिलाते हैं जहाँ पर आपका स्टेमिना भी बूफ होता है और साथ में आपको बॉडी में किसी प्रकार का जो दर्द ना हो, इंजरी ना हो। तो देख सकते हैं इस तरह का गेम जो है आप अपने ग्राउंड फील्ड में भी कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो, या फिर आप हमारे एकेडमी में आके प्रैक्टिस करना चाहते हो। अगर आप धनबाद से हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे एकेडमी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जो है आप फ्री क्लासेस हमारा है, आप फ्री में जो है क्लासेस यहाँ पर ले सकते हो। दोस्तों देख सकते हैं जहाँ बॉय फ्लो के लिए हैंडबॉल करवाया गया था, गर्ल फ्लो के लिए जो है यहाँ गर्ल फ्लो के लिए जो है रुमाल चोरी करके ऐसा कुछ गेम होता है, मुझे उतना आइडिया नहीं है। अगर आपको पता है इस गेम का नाम क्या है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि इस गेम का नाम क्या है। और ऐसे तो हम लोग रुमाल चोरी कह सकते हैं, बहुत सारा नाम बहुत होता है, लेकिन आपके जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ पर क्या नाम है आप मुझे कमेंट करके बताओ। देखते हैं कि इसका नाम क्या है, नहीं है, क्योंकि मुझे भी इस गेम का नाम नहीं पता है, तो कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने लोग जो है कमेंट करके बताते हैं कि इनका इस गेम का नाम क्या है और कितने लोगों को पता है। मुझे तो नहीं पता, पर देखते हैं आप लोगों को पता है या फिर नहीं है। तो इस गेम में भी यही होता है कि एक जो है पर्सन दौड़ के जाएगा और उसके पीछे रुमाल या किसी प्रकार का कपड़ा रख देगा और दूसरे पर्सन को दौड़ना है, दौड़ के जाके उसी जगह पर जहाँ बैठना है जहाँ पर वो दूसरा पर्सन वहाँ पर बैठा हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पर इसने जो है दौड़ के छू दिया, तो फिर वो फिर दोबारा फिर जो है वही रनिंग करेंगी।